एम्बुलेंस के इंतजार में 20 वर्षीय महिला की हुई मृत्यु, फिर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जनपद बांदा थाना कमासिन क्षेत्र के अंतर्गत मामसी खुर्द निवासिनी आरती देवी पत्नी केसन उम्र लगभग 20 वर्ष, जिनकी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते समय से एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों से पूछने पर पता चला कि आरती देवी गर्भवती थी, जिनका प्रसव का टाइम नजदीक था, जिसके चलते 28 तारीख दिन मंगलवार शाम 7 बजे डायल 108 नंबर एम्बुलेंस को आरती के परिजनों द्वारा फोन किया गया, जिसमें पीड़िता के परिजनों को आश्वासन दिया गया कि बस थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। परंतु जब एम्बुलेंस थोड़ी देर बाद नहीं पहुंची तो परिजनों के द्वारा फिर फोन किया गया। एम्बुलेंस चालकों के द्वारा बताया गया कि आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच ही रहे हैं, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा था, परंतु एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उक्त महिला ने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दिया, जो कि महिला का पहला बच्चा था। बच्चे के जन्म के बाद महिला की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने किराए से अपनी गाड़ी करके पीड़ित महिला को लगभग सुबह 4 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन ले गए, जहां पर डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला युक्त महिला की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। उधर परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि यदि एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी तो हमें जवाब दे देना चाहिए था, हमें आश्वासन में क्यों रखा गया, अगर समय से एम्बुलेंस पहुंचती तो उक्त महिला की मृत्यु न होती। सूचना पर पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु बांदा भेज दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहा महिला के परिजनों ने। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, एवीपी भारत न्यूज चैनल। कितने बजे फोन किया गया था? शाम को फोन किया गया था। कितने घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची? 11 बजे लग रहा हूँ। अच्छा, 11 बजे वहीं घर पे हो गए। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं पहुंची घर पे? अच्छा, बच्चे क्या स्थिति थी इस समय? अच्छा, सही है। जो ख़त्म हुई है उनके क्या नाम है उनका? आपकी कौन है? अच्छा, क्या नाम भैया आपका? चंद्र। किस गांव से हैं? क्या मामला है ये अस्पताल जो आया? एम्बुलेंस ना जाने के कारण ये हमारी डिलीवरी की बहुत कम मौत। पूरा मामला क्या, घटना कैसे हुई, क्या है? इसे पहले हमने उसको कॉल किया कि ये गाड़ी एम्बुलेंस के लिए, ये पहले वहाँ जाता है लखनऊ से, बोले कि लाइन में रहिए, हम दूसरी कॉल आ रही तुम्हारे पास, लाइन में लगी रही। हम लाइन में लगे रहे, घंटा लाइन में लगे हैं। बहुत देर में अगर लाइन बात होने लगी तो उन्होंने कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, कहीं थोड़ा दूर आ रहे हैं, आ गए हैं, आने वाले हैं। इसके बाद 11 बजे तक। कितने बजे कॉल किया था आपने एम्बुलेंस को? 7 बजे। 7 बजे। और एम्बुलेंस आपके पास कितने बजे पहुंचा? एक अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक नहीं पहुंचा। तो ठीक, 7 बजे आपने कॉल किया था, इसके बाद आपके साधन से लेके आएंगे? हम अपने साधन से। कितने बजे लेके आए? हम यहाँ आ गए हैं 4 बजे। अब 3:30 बजे आ गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा गंगा प्रसाद नाम है। किस गांव में रहते हैं? मानसी। इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत गाड़ी के न पहुंचने के कारण हुई, क्योंकि 7 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू फोन से बात होती रही। अच्छा। लखनऊ से 102 108 ट्रांसफर करते रहे इधर को उधर, ड्राइवर भी कहते रहे कि हम आ रहे हैं, एक भी बार ना ही नहीं किया। इसी इंतजार पर कम से कम 3 घंटा समय इनका डिले हुआ। इसके बाद जो है, जब गाड़ी नहीं आई तो प्राइवेट साधन बुलाया, जैसे बुलाया तैसे डिलीवरी घर में हो गई। अच्छा। जब हो गई तो 2-4-10 मिनट तो समय लगता है, ये बाकी चलो नॉर्मल डिलीवरी है। इसके बाद वो ज़्यादा वीकनेस हुई तो फिर वो गाड़ी चली गई, और जाने के बाद फिर प्राइवेट गाड़ी को बुलाया गया, और उस गाड़ी से फिर पुनः यहाँ लाया गया। जैसे लाए
यहाँ तक जीवित आई है। यहाँ पर आने पर जैसे यहाँ पर देखते देखते अब सुस्त तो हो ही गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये इसमें पूरी पूरी कार्रवाई, गाड़ी की कमी है ना, 4 घंटे चुकी डिले करवाया इसको। डॉक्टर साहब ने नहीं देखा? नहीं, डॉक्टर साहब ने देखा, जैसे आए वो मृत घोषित कर दिया। अब आने पर गाड़ी पे ही डेथ हो गया, या इसके पढ़ाने पढ़ाने पर लेट हो, लेकिन वहाँ से जीवित चली है। वो तो बता रहे हैं उनके ससुर साहब की, हमें डॉक्टर साहब के पास गए थे तो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, बहुत काफ़ी देर के बाद खोले, काफ़ी देर के बाद। इसमें क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का क्या नाम? नरेश। हाँ। और क्या नाम? डॉक्टर नरेश। ठीक है, काफी देर के बाद दरवाजा उन्होंने देर के बाद दरवाजा जब मौत हो चुकी थी, मौत हो चुकी। गाड़ी की पूरी पूरी लापरवाही है विभाग की, अगर नहीं चलाना तो उन्होंने नहीं कर देना चाहिए कि नहीं आ पाएंगे, हमारी गाड़ी गड़बड़ है या दूसरी जगह चली गई है, गाड़ी की व्यवस्था कर। क्या जवाब दे रहे थे? वो कह रहे थे आ रहे हैं, थोड़ी देर और इंतजार करो, इंतजार करवा रहे थे। कोई आया नहीं? कोई नहीं आया अभी तक नहीं। कोई अच्छी है, अब कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं। गरीब आदमी 200-200 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है, कहाँ से पैसा पाए पोस्टमार्टम कराने के लिए? ठीक है, सरकार की कार्रवाई है, कार्रवाई करें, वो तैयार है ले जाने के लिए, लेकिन पैसे से इतना दुर्बलहीन व्यक्ति है कि 1-1 रुपए के लिए मोहताज है और साधन नहीं ढूंढ पा रहा, लाश पड़ी है, अब जैसे जाए। अब अभी तो आप देख सकते हैं, समाज देख सकती है, सरकार देख सकती है, क्या हो रहा है आपके सामने।